बोर्ड एग्जाम में बचे हैं कुछ दिन, टॉपर करने की कैसी हो स्ट्रेटेजी, रणनीति, प्लानिंग बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें। लू आ गई परीक्षा इतनी जल्दी, अभी तो स्कूल चालू हुआ था, पूरा साल देखते ही देखते निकल गया। अब तो कर लो पढ़ाई भाई, अब तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो एल लग जाएंगे। यही सब सोच रहे हैं ना, तैयारी करना भी बहुत जरूरी है, कैसे करें समझ नहीं आ रहा। अब तो बारी है अग्नि परीक्षा की, यानी बोर्ड एग्जाम की। बोर्ड परीक्षाओं के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए आपको परीक्षा की तैयारी में जुटना होगा। अधिकतर बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी के आसपास शुरू हो रही हैं, यानी आपके पास तैयारी के लिए सिर्फ बचा है 1.5 महीना। 45 दिन की तैयारी ही आपका जीवन बनाएगी, आपका करियर बनाएगी। परीक्षा में अब बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आपको परीक्षा की तैयारी भी खास नए अंदाज में करनी पड़ेगी। आपको एक ऐसी प्लानिंग करके एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा जिससे आप टॉप कर सके। आपको अभी से तैयारी में जुटना पड़ेगा। तो हम आपको बता रहे हैं आप कैसे एग्जाम की तैयारी करें जिससे कि आप टॉपर बन जाएं। आपके हर पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको एग्जाम के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, सिलेबस की पढ़ाई करें। तो सबसे पहले ये पता करें कि सिलेबस में क्या क्या है और बस उसी की असली तैयारी में लग जाएं। तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस की पढ़ाई करनी चाहिए। अब आपको क्या क्या पढ़ना है, आपने क्या क्या पढ़ लिया है, आपको किन विषयों और टॉपिक्स में दिक्कत ज्यादा है और आप किन फील्ड में ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं, इन सब की एक लिस्ट बना लें ताकि आसानी होगी। इसके बाद अपनी असली पढ़ाई शुरू करें और उसके बाद जिन टॉपिक्स में आपको ज्यादा दिक्कत लगती है उनकी तैयारी करें और उनकी विस्तार से पढ़ाई करें और अपने दोस्तों की भी मदद लें। नोट्स बनाना शुरू करें। सिलेबस बनने के बाद हर सब्जेक्ट और टॉपिक की विस्तार से पढ़ाई करें, नोट्स बनाते जाएं और उसको लिख भी लें। ऐसा करने से आपकी दुगनी तैयारी हो जाएगी, साथ ही परीक्षा के टाइम जब रिवीजन करोगे तो आपको नोट्स का सहारा मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट, सफलता का मूल मंत्र है टाइम। टाइम मैनेजमेंट ही गोल पाने का सबसे अच्छा तरीका है और अब आपको टाइम मैनेजमेंट ही अच्छे नंबर दिलाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड कर लें। आप इसे घंटों में, डे में, हफ्तों के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम दें और जो टॉपिक्स आपको आते हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ टाइम जरूर देना चाहिए, अक्सर हम ये गलती कर जाते हैं। स्टडी मटेरियल, अब आते हैं मेन पॉइंट पर, स्टडी मटेरियल। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल का होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके पास स्टडी मटेरियल ही नहीं है तो क्या, तो सबसे पहले उसे हासिल करें, किताब खरीद लें, दोस्तों से ले लें या फिर आप किसी सीनियर से भी मांग सकते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सफलता की एक सबसे बड़ी कुंजी है, यानी प्रैक्टिस के माध्यम से आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर, सैंपल पेपर सॉल्व करना है आपको, बार बार रिवीजन करना है आपको। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपको कितना याद हो रहा है और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और अभी कितनी तैयारी करना बाकी है। तैयारी शुरू कर दें भैया, अब तो आपको तैयारी शुरू कर ही देनी चाहिए, अब आपको सीरियस होना ही पड़ेगा, अभी से पढ़ाई शुरू कर दें। नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि अभी 1-1.5 महीना बाकी है, बाद में करते हैं। नहीं, अब आपको तैयारी शुरू कर ही देनी चाहिए। अब आपको 8 से 10 घंटे कम से कम टाइम देना ही चाहिए। ब्रेक लें, जब भी आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के बीच में मौज मस्ती, अपने मन को थोड़ा सा बहलाते रहें ताकि आपको पढ़ाई बोर ना लगने लगे। इसके लिए आप गाने, वीडियो, टीवी, फिल्म्स, गेम आदि जो भी आपका है, आउटडोर गेम्स आदि जो भी सहारा है ले सकते हैं। तो दोस्तों आज से ही लग जाओ पढ़ाई में, दिखा दो कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, और जीत लो एग्जाम, क्योंकि जीत जरूरी है। हमारे
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें।